हेलो स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैड स्टार्टेड दिस टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। नाउ लेट अस डिस्कस द रूल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो हमें क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड वॉट इज पैसिव वॉयस एक्टिव वॉयस शोज दैट द डूअर ऑफ द एक्शन डूअर ऑफ द एक्शन मीन्स सब्जेक्ट इज गिवन इम्पॉर्टेंस इन अटेंस वेन द डूअर ऑफ द एक्शन डज समथिंग वेन द सब्जेक्ट इज शोन टू डू समथिंग सब्जेक्ट जब कोई काम करता हुआ शो किया गया है दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस And what is passive voice? Passive voice shows that the subject is given more importance than the. Uh, sorry, the object is given more importance than the subject. When the work done is given more importance than the doer of the action. First sentence active voice may doer of the action is doing something. and in the passive voice, the action is done on action is done on the subject. Subject means doer of the action. jo action hai wo kiya gaya यहाँ पर action को verb को ज़्यादा importance दी गई। जो भी action किया गया, object और verb जो है वो पहले यूज की गई और सब्जेक्ट को बाद में रखा गया यहां पर एक्टिव वॉयस में तो जो करने वाला है वो उसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है मैंने ये किया इसने वो किया ओके okay? तो करने वाले को पहले उसका नेम आ रहा है उसको पहले मेंशन uh, किया जा रहा है और पैसिव वॉयस में करने वाला सेकेंडरी हो जाता है और प्राइमरी इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है जो एक्शन हुआ है उसको ओके okay? किसके द्वारा कोई एक्शन हुआ है किस uh, कोई काम किया गया किसने किया नहीं क्या किया गया वो काम एंड वट आर द रूल्स वाई चेंजिंग एक्टिव वॉयस इन टू पैसि द सब्जेक्ट इज रिटर्न एट द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट द सब्जेक्ट मीज जो सबसे पहले डूअर ऑफ द एक्शन स्टार्टिंग में जो आता है किसने काम किया राम किल्ड द स्नेक तो राम ने किया ना आई रोट अ लेटर आई ने काम किया तो जो डुअर ऑफ द एक्शन है वो होता है आपका सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ले जाया जाता है ऑब्जेक्ट सेंटेंस में आपके सबसे लास्ट में यूज होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर पता है ना आपको सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होता है फिर वर्ब की बारी आती है वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो हो सकती है ओके या एक ही हो सकती है वर्ब उसके बाद आपकी ऑब्जेक्ट की बारी आती है ये एक सिंपल सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है और इसमें उसके बाद अदर वर्ड्स की बारी आती है जिनको कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ओके ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बाकी वर्ड्स यूज किए जाते हैं मेन स्ट्रक्चर क्या है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में लगता है ना सेंटेंस स्ट्रक्चर में लेकिन पैसिव वॉइस बनाते टाइम ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और थोड़े से और चेंजेस होंगे कौन से चेंजेस होंगे बाय इज यूज बिफोर इट इट मीन्स जब सब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट की जगह पहुंचा दिया तो उससे पहले बाय वर्ड भी लगा देंगे बाय प्लस ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट चला जाएगा बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट रूल आपका है द ऑब्जेक्ट इज रिटन एट द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट मैंने अभी बताया आपको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा स्टार्टिंग में आ जाएगा ओके रूल्स टू चेंज द टेंस और टेंस कैसे चेंज होगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म वर्ब फर्स्ट फॉर्म मींस प्रेजेंट टेंस इनडेफिनेट वाला ओके प्रेजेंट इंडेफिनेट जो है फर्स्ट फॉर्म यूज होती है या एस और ई एस लगता है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म इज चेंज इन टू इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म वर्ब फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा हुआ है देन ऑल्सो इट इज चेंज्ड इन टू इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई थी पैसि वॉयस में थर्ड फॉर्म बन जाएगी हर एक सेंटेंस में पैसिव वॉयस में थर्ड फॉर्म बन जाती है और उससे पहले एक कुछ हेल्पिंग वर्ब यूज होती है जैसे आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज एम आर इजेमार वर हैज हैव बीन बी ओके तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं तो फर्स्ट रूल आपका टेंस को चेंज करने का फर्स्ट फॉर्म को इज एम आर थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं और अगर डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो भी हम क्या करते हैं डू डज को तो रिमूव कर देंगे इसको फर्स्ट फॉर्म वाला ही रूल चलेगा जो फर्स्ट रूल था ओके डू डज है इट मीन्स एस और ई एस लगा है डू के साथ ई एस लगा है ओके okay. और फर्स्ट फॉर्म तो है ही तो फर्स्ट फॉर्म वाला ही रूल होगा अगेन इज एम आर थर्ड फॉर्म यूज होगी ओके नेगेटिव सेंटेंस अगर है नॉट लगा हुआ है तो नॉट उसी जगह पे लगेगा पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद सेकेंड रूल आपका नेक्स्ट रूल है इसके बाद वर्ब की अगर सेकेंड फॉर्म गिवन है इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनेट तो ये था ये आपका सेकेंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के थे दोनों फर्स्ट फॉर्म एस एसओस डू डज और पास्ट इंडेफिनिट में होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ओके तो अगर सेकेंड फॉर्म है तो किस में चेंज करेंगे पैसिव वॉइस वर्ब को चेंज करेंगे वर थर्ड फॉर्म में और अगर डिड और फर्स्ट फॉर्म है ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है तो इसमें भी क्या चेंज करेंगे वर थर्ड फॉर्म और डिड को रिमूव कर देंगे डू डज डिड जो भी होगा उसको रिमूव कर देंगे और बाकी आपका टेंस के अकॉर्डिंग चलेगा डू डज फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इन की तरह से और डिड फर्स्ट फॉर्म पास्ट इन की तरह से वॉज थर्ड फॉर्म नेक्स्ट आपका है कंटिन्यूस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस अगर है इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आई एनजीम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म आई एन जी अगर है तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है इसको चेंज करने के लिए इज एम आर तो इन्हीं में से लगेगा कुछ ना कुछ अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इजे मार में से लगाओगे क्या लगेगा अब इजे मार के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म हम नहीं लगा सकते फर्स्ट फॉर्म आई जी है ना हमारे पास इजे मार के बाद हमने ऐसा क्या लगाना है क्योंकि रूल तो हमारा कहता है थर्ड फॉर्म लगानी है तो के बाद थर्ड फॉर्म लगाने के लिए आई एनजी कहां जाएगा हेल्पिंग वी के साथ एड हो जाएगा बींग थर्ड फॉर्म इजेमर फर्स्ट फॉर्म आई एनजी किस में चेंज होगा इजेम आर बींग थर्ड फॉर्म कल वाली पिक में आपको यह शायद कटिंग ना नजर आई हो तो इसको आप कट करेंगे यहां से ओके ये रूल देखिए आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रूल जो है इसमें ये वर्ब फर्स्ट जो लिखा हुआ था ये कटिंग की हुई थी लेकिन आपको हो सकता है नजर ना आ रही हो तो यहां पे आप इसको कट करेंगे ओके इज एम आर प्लस बींग प्लस थर्ड फॉर्म इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूस अगर है वाज वर फर्स्ट फॉर्म आई एनजी तो में चेंज होगा वर प्लस बींग प्लस थर्ड फॉर्म वर बीइंग थर्ड फॉर्म आई एन जी इंग होता है तो इंग वाले सेंटेंस में बींग लगाना है इंग वाले सेंटेंस में बींग लगाना है अगर वो ईजेमार के साथ इंग था तो इजेमार के साथ बींग लगेगा अगर वो वाजवर के साथ इंग था तो वाजवर के साथ बींग लगेगा ओके और बाद में थर्ड फॉर्म इसको याद रखना है आपने बस ध्यान रखना आई एन जी इंग वाले सेंटेंस में बींग लगाना है इज एम आर इंग में, बींग लगेगा थर्ड फॉर्म वॉज वर इंग में, वर बींग लगेगा की थर्ड फॉर्म नेक्स्ट इज हैज है थर्ड फॉर्म ऑलरेडी थर्ड फॉर्म गिवन है हैव के बाद थर्ड फॉर्म ही लगती है तो ऑलरेडी अगर ये गिवन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है आपका हैज फॉर्म तो इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे Has, have में से ही कुछ लगेगा बीन लगेगा और थर्ड फॉर्म क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब तो आपको बीच में लगानी पड़ेगी पैसिव वॉइस बनाते टाइम ये भी हेल्पिंग वर्ब थी इज एम आर ये भी हेल्पिंग वर्ब थी वॉज वर इज एम आर ऑलरेडी गिवन था तो बीइंग हेल्पिंग वर्ब लगाई वॉज वर ऑलरेडी गिवन था तो बीइंग हेल्पिंग वर्ब लगाई अब हैज आपके पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो इसके साथ एक और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी पैसिव वॉइस में बीन और इसी तरह से पास्ट जो परफेक्ट है आपका हैड और थर्ड फॉर्म तो हैड और थर्ड फॉर्म के बीच में हैड के बाद बीन प्लस थर्ड फॉर्म ओके नेक्स्ट ये आपका इंपॉर्टेंट रूल है कोई भी मॉडल्स अगर यूज हो रहे हैं कोई भी मॉडल हो सकता है कैन कुड विल वुड शैल शुड मे माइट एनी तो और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म रूल होता है मॉडल्स के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है तो इसको पैसिव वॉयस में जब कन्वर्ट करेंगे तो सेम मॉडल वही वाला मॉडल जो कि एक्टिव वॉयस में था वही मॉडल प्लस अपने पास से हेल्पिंग वर्ब बी और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे सेम मॉडल रखेंगे वही कैन है तो कैन रखेंगे कुड है तो कुड रखेंगे मे है तो मे रखेंगे उसके बाद बी लगाएंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे नाउ लेटर सी द नेक्स्ट रूल दीज आर द एग्जाम्पल्स जैसे अभी कौन से कैसे सेम मॉडल है अगर विल फर्स्ट फॉर्म है आपके पास तो विल बी फर्स्ट फॉर्मी थर्ड फॉर्म हो जाएगा अगर कुड फर्स्ट फॉर्म है आपके एक्टिव वॉइस में तो कुड बी थर्ड फॉर्म हो जाएगा पैसिव वॉयस नाउ सी दिस एक्सरसाइज चेंज इन टू पैसिव वॉयस रमेश हेल्प रोहन रमेश हेल्प करता है रोहन की तो यहां पर सब्जेक्ट रमेश है ऑब्जेक्ट रोहन है अब रमेश को हम बैक साइड पे ले जाएंगे और उससे पहले रूल क्या बताता है क्या लगाएंगे बाय लगाएंगे और जो ऑब्जेक्ट है रोहन उसको हम सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे ओके तो रमेश हेल्प्स रोहन र, रोहन इज हेल्पड बाय रमेश एक्टिव वॉइस में रमेश डूअर ऑफ द एक्शन है हेल्प करने वाला कौन है रमेश रमेश हेल्प करता है रोहन की पैसे वॉयस में रमेश को सेकेंडरी मान लेंगे और किसकी हेल्प की जाती है रोहन की हेल्प की जाती है किसके द्वारा रमेश के द्वारा रमे, रोहन इज हेल्प बाय रमेश नेक्स्ट इज रमेश डज नॉट हेल्प मोहन अब डू डज और फर्स्ट फॉर्म है डज नॉट हेल्प तो रूल के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करेंगे मोहन ऑब्जेक्ट था स्टार्टिंग में आ गया सब्जेक्ट के प्लेस पे मोहन इज नॉट हेल्प्ड बाय रमेश नॉट जब भी होगा तो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे आप इज लगी हेल्पिंग वर्ब नॉट लगा दी मोहन इज नॉट हेल्प्ड बाय रमेश नेक्स्ट एग्जांपल मदर बेक्ड अ केक पास्ट टेंस बेक्ड तो पास्ट टेंस वाला रूल लगाएंगे अ केक वॉज बेक्ड बाय मदर नेक्स्ट एग्जाम्पल सोनल डिड नॉट बेक अ केक डिड नॉट बेक डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म सिंपल पास्ट तो डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म को भी सेकेंड फॉर्म के रूल के अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे अ केक वॉज नॉट बेक्ड बाय सोनल नेक्स्ट द टीचर इज आस्किंग क्वेश्चन ज एम आर फर्स्ट फॉम आई एनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस द टीचर इज आस्किंग क्वेश्चन में क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन क्यू कैपिटल हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस की बिगिनिंग में सबसे पहला वर्ड कैपिटल आता है क्वेश्चन अब यहां टीचर के साथ तो इज था लेकिन अब सब्जेक्ट बन गया क्वेश्चन तो हम इज एम आर में से क्या रखेंगे आर लगाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आर बींग आस्ड बाय द टीचर कुछ स्टूडेंट यहां पर द टीचर था तो इसको जब पैसे वॉयस में लाते हैं तो द भूल जाते हैं लिखना तो द आपने लगाना है भूलना नहीं है द टीचर आपका सब्जेक्ट था द टीचर को ही बैक में ले आओगे बाय द टीचर ओके नेक्स्ट आर बॉयज मेकिंग अस यहां पर इस एम आर से शुरू हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है मेकिंग अ नॉयस वो ही आपका कंटिन्यूस का प्रेजेंट कंटिन्यूस एम आर फर्स्ट फॉर्म आई एन जी वाला सेंटेंस है तो अगर इज एम आर या क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में है तो क्वेश्चन वर्ड ही स्टार्टिंग में रहेगा और वो आपका हेल्पिंग वर्ब जो है आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज होगा यहां पर बॉयज था तो आर लगाई हुई थी आर बॉयज मेकिंग अ अइज अब आपके पास अ नॉइस है ऑब्जेक्ट अ नॉइज को स्टार्टिंग में लेके आओगे तो ये अ नॉइस है ठीक है काउंटेबल अ लगा रखा है इसके साथ तो सिंगुलर को इसको मानेंगे तो इज आप इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज अ नॉइस बींग मेड बाय बॉयज क्वेश्चन मार्क अगर एक्टिव पैसिव वॉइस में क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा नरेशन की तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरह से क्वेश्चन मार्क नहीं हटाना चेंजेस नहीं करने सेंटेंस के स्ट्रक्चर में ओके नेक्स्ट वर स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल अब फुटबॉल को स्टार्टिंग में ले आएंगे तो फुटबॉल के साथ वर नहीं लगेगा वॉज लगता है वॉज फुटबॉल बींग प्लेड बाय स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क लास्ट वन नेक्स्ट वन विनीत हैज प्लक्ड अ फ्लॉर विनीत ने तोड़ा एक फूल क्या तोड़ा एक फूल तो एक फूल तोड़ा गया विनीत के द्वारा अ फ्लार यहां प्लक्ड था विनीत सिंगुलर था पर्सन सब्जेक्ट हैज लगा था अ फ्लावर भी सिंगुलर है तो हैज ही लगेगा अ फ्लावर हैज बीन प्लक्ड बाय विनीत सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल हैड द गार्डनर प्लांटेड द saplings. हैड आपका क्वेश्चन वर्ड है स्टार्टिंग में है तो हैड ही रहेगा क्योंकि सिंगुलर प्लूरल सबके साथ हैड ही लगता है. हैड द गार्डनर था ना और अब आपने द saplings के साथ लगाना है तो हैड द saplings बीन प्लांटेड बाय द गार्डनर नेक्स्ट नमन नॉट सॉल्व दिस सम मॉडल्स वाला आपका रूल आया कैन नॉट फर्स्ट फॉर्म दिस सम के नॉट बी सोल्व बाय नमन सेम मॉडल कैनॉट बी और थर्ड फॉर्म दिस समॉट बी सॉल्व बाय नमन डज राम लाइक टॉफीज डूडज फर्स्ट फॉर्म डूडज और लाइक फर्स्ट फॉर्म तो आप डूडज को फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट इंडेफिनेट की तरह से ही चेंज करोगे वही आपका रूल रहेगा इज एम आर थर्ड फॉर्म तो यहां डज राम राम के साथ डज था लेकिन टॉफीज डज डू डज तो हम रिमूव कर देंगे इजेम आर लगता है ओके डू डज वाले सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनेट में इजेम आर थर्ड फॉर्म लगानी है तो राम के साथ नहीं हमने टॉफीज के साथ देखना है टॉफीज स्टार्टिंग में आ जाएगा तो आर टॉफीज टॉफीज प्लूरल है इज नहीं लगा सकते आर लगेगा आर टॉफीज लाइक्ड बाय राम क्वेश्चन मार्क द लास्ट एक्सरसाइज डिड द कैट ईट द रैट डिड और फर्स्ट फॉर्म तो इसका रूल क्या है पैसि वॉइस में चेंज कैसे करेंगे डिड फर्स्ट फॉर्म को वॉज वर थर्ड फॉर्म में तो वॉज वर में से क्या लगेगा द रैट के साथ वॉज वॉज द रैट ईटन बाय द कैट क्वेश्चन मार्क दीज आर द रूल्स जो अभी आपके साथ रूल्स डिस्कस किए उनके एग्जाम्पल्स हैं नाउ हाउ टू चेंज द प्रोनाउंस प्रोनाउंस कैसे चेंज करेंगे यहां तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या था किसी का नेम ही था द सम हो गया नमन हो गया टॉफीज हो गया राम हो गया लेकिन अगर आपके पास प्रोनाउंस आ जाए नाउन की जगह पे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में आई वी यू दे प्लूरल माई ये सब आ जाए तो क्या करेंगे तो सबसे पहले केसेस देखने हैं कल आपको केसेस बताए थे कल की वीडियो में सब्जेक्टिव केस होता है पॉजिटिव केस होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है आई माई मी वी आर अस यू योर यू यू योर यू ही देयर देम ओके तो ये आपके केसेस हैं तो इनको ध्यान रखना है सबसे पहले तो और उसके बाद क्या रूल है सब्जेक्टिव केस चेंजेस या रिप्ले इज रिप्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस रिप्लेस द ऑब्जेक्टिव केस यहां चेंजेस को आप कट कर देना एक वर्ड रखेंगे रिप्लेसिज सब्जेक्टिव केस रिप्लेसिज द ऑब्जेक्टिव केस अपने केसेस देखिए यहां पर सब्जेक्टिव केस है आई और ऑब्जेक्टिव केस क्या है मी तो आई को किस में चेंज कर देंगे मी में चेंज कर देंगे और इसके साथ क्या गिवन है एंड बाय इज यूज बिफोर इट तो सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस की जगह पे ले जाते टाइम हम उस सब्जेक्टिव केस के साथ बाय भी लगा देंगे तो कैसे बनेगा अगर आई आपका था आई को किसमें चेंज करेंगे मी में वी को किसमें चेंज करेंगे बाय अस में यू को किसमें चेंज करेंगे यस yes, यू में ही को बाय हिम शी को बाय हर इट को बाय इट और दे को यस बाय देम तो ये आपका बाय के साथ सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस की जगह पहुंच जाएगा और दूसरा रूल क्या ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव केस रिप्लेस द सब्जेक्टिव केस जो ऑब्जेक्टिव केस में था वो सब्जेक्टिव केस की जगह पे आ जाएगा क्या था आपका ऑब्जेक्टिव केस में अगर आपके सेंटेंस में मी है तो वो आई बन जाएगा पैसिव वॉइस बनाते टाइम अस है तो वी बन जाएगा यू है तो यू यहां भी यू है सेम रहेगा यू हिम है तो ही बन जाएगा हर है तो शी बन जाएगा इट है तो इट बन जाएगा देम है तो दे बन जाएगा ठीक है और तीसरा केस जो है पॉजिटिव केस पॉजिटिव मीन्स जो बताता है कि किसकी है कोई चीज माई यूअर हिज हर तो पॉजिटिव केस इज नॉट चेंज्ड वो चेंज नहीं होता माई सिस्टर है तो माई सिस्टर ही रहेगा योर सिस्टर है तो योर सिस्टर ही रहेगा हिज ब्रदर है तो हिज ब्रदर ही लिखेंगे सीधा एक्सरसाइज राहुल्स ब्रदर टुक माई बुक माई बुक वॉज टेकन बाय राहुल ब्रदर अब राहुल्स ब्रदर है तो राहुल ब्रदर ही रखेंगे यहां पे माई मदर डिड नॉट कुक फूड यहां पे पैसे वॉइस को बनाते टाइम्स ये आपका ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में चला जाएगा फूड वॉज नॉट पैक्ड माई लंच यहाँ पे हैव यू यू के साथ हैव था लेकिन लंच के साथ माई लंच के साथ क्या बन जाएगा हैज हैज माई लंच बीन पैक्ड बाय यू वी कैनॉट विन दिस मैच दिस मैच कैनॉट बी वन बाय विन की थर्ड फॉर्म वन सेम मॉडल दे एंटरटेन्ड एस एस को चेंज करके वी बन जाएगा वी सेकेंड फॉर्म थी तो वर एंटरटेन्ड बाय देम वॉज वर होता है तो वी के साथ वर विल ही अटेंड द मीटिंग अब विल क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो विल स्टार्टिंग में यही रहेगा विल द मीटिंग बी अटेंडेड बाय हिम बी क्यों लगाया विल मॉडल्स की तरह से यूज हुआ है मॉडल्स के बाद सेम मॉडल विल और बी और थर्ड फो डू यू रो राइट स्टोरीज आर स्टोरीज रिटर्न बाय यू क्वेश्चन मार्क सो यू विल रिवाइज द एक्सरसाइजेस जो हमने अभी की है वो अच्छे से रिवाइज करेंगे एंड ऑल्सो गो थ्रू द एक्सरसाइजेस फ्रॉम योर ब्रेविया बुक Thank you.